और आज जिस हिस्टोरिकल जंक्चर जिस मुकाम में हम खड़े हैं, फातिमा शेख और सावित्री बाई फूले के संघर्षों की बदौलत आज हायर इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन में औरतों की भागीदारी सिर्फ बराबरी की नहीं है बल्कि थोड़ी ज़्यादा ही है। और इस बात का एहसास सही मायनों में इस साल इस सरकार को और बाकी यूनिवर्सिटी कैंपसेस में भी हुआ है, क्योंकि हमने देखा है कि PHU जो कि RSS का गढ़ माना जाता है, वहाँ से जो आवाज़ गूंज उठी और फिर बाकी सारे देश में फैली है महिलाओं की असर्शन की, चाहे वो कोटियम मेडिकल कॉलेज केरला हो, माता वैष्णो देवी कॉलेज जम्मू हो, या RI भोपाल, RI अजमेर, RI भुवनेश्वर, या फिर NID अहमदाबाद हो, हर जगह हमने देखा है कि चाहे वो जेंडर डिस्क्रिमिनेटरी रूल्स हो या फिर कर्फ्यू टाइमिंग्स जो हॉस्टल में लागू होते, उसके खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग असर्शन हुआ है। और हम देख रहे हैं कि महिलाएं सही मायनों में अपना पॉलिटिकल असर्शन कर रही हैं और ये चैलेंज कर रही है ये जो पितृसत्तात्मक यूनिवर्सिटी की जो एक नींव है जिसमें वो इमेजिन भी नहीं करते हैं कि औरतें अपने आप को असर्ट करेंगी और ये डिमांड करेंगी कि एंटी सेक्सुअल हरेसमेंट पॉलिसीज लागू हो। जब हमने मतलब UGC की रेगुलेशंस एक्चुअली तो मई से आई हुई है, मई 2016, बट सही मायनों में आज भी ICCs है नहीं मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में। और हम देख रहे हैं कि जो नए अकोमोडेशन भी है, जो छात्र आवास की ज़रूरत है, ये विमेन को ज़्यादा होती है, क्योंकि हमें पहले ही फैमिली से बहुत दबाव पड़ता है कि और फैमिली चाहते भी नहीं है कि हम जाएं और हायर एजुकेशन प्राप्त करें। और इस बीच में अगर हम देख रहे हैं कि बहुत सिर्फ इस सरकार ने, इससे पहले की जितनी सरकार भी है, जब उन्होंने WTO गैस अग्रीमेंट साइन किया था उसके बाद लगातार ही स्कॉलरशिप कट हो रहा है, फंड कट हो रहा है, नए हॉस्टल्स नहीं बनाए जा रहे, और अगर हॉस्टल बना रहे हैं तो उनका जैसे खालसा कॉलेज का फी 1,80,000 है और दौलत राम का 1,30,000 है। हिंदू कॉलेज में हाल ही में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था और मतलब उनका जो फी स्ट्रक्चर था वो 1,50,000 था, उसको कम करके प्रोटेस्ट के बाद 90,000 पे आया। तो हम देख रहे हैं कि ये जो पब्लिक, द इमेजिनेशन ऑफ द पब्लिक यूनिवर्सिटी, वो उसकी इमेजिनेशन में सिर्फ एक ही तबके के लोग, एक ही तबके वर्ग के लोग, एक ही जाति के लोग फिगर करते हैं, क्योंकि उनको ये एहसास ही नहीं होता। जब हम कर्फ्यू डिमांड के अगेंस्ट, मतलब अगर हम कर्फ्यू टाइमिंग के अगेंस्ट लड़ाई कर रहे हैं, तो ये सिर्फ हमारे राइट टू मोबिलिटी की लड़ाई नहीं है, ये उससे ज़्यादा है, क्योंकि हमारा जो पिंजरे का दायरा है वो सिर्फ घर तक सीमित नहीं है, सिर्फ हॉस्टल की चार दीवारों तक सीमित नहीं है, क्योंकि असल मायनों में तो हमें मिलता ही नहीं है हॉस्टल, क्योंकि है ही नहीं हॉस्टल। तो इसीलिए हमारा ये डिमांड भी रहा है बहुत समय से कि सबको छात्रावास मिलना चाहिए और सस्ता छात्रावास मिलना चाहिए। और उसी बीच इस मोदी सरकार के रिजीम में क्या चेंजेस आ रहे हैं, और दो प्राइवेटाइजेशन तो बहुत टाइम से चल रहा है, ये इन लोगों ने जो UGC को डिसॉल्व करने की बात करी है और HEFA से रिप्लेस करने, विच इज़ अ लोन ग्रांटिंग बॉडी, और भी ज़्यादा हम देख रहे हैं कि इंस्टीट्यूट स्पेस इन विच अटोनमी के, जो एक बहुत ही अच्छा शब्द लगता है, अटोनमी के नाम पे एक घोसला हमें बेचा जा रहा है, विच इज़ दैट हमें अब सेल्फ फाइनेंस करना पड़ेगा अपना एजुकेशन, और उसी के साथ साथ आपको कर्फ्यू टाइमिंग लगा देते हैं। और तो औरतें कब जाके अपना अपना सर्वाइवल, कैसे हम अपना फी कैसे भरेंगे, क्या हम हमेशा ही अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट रहेंगे या हम हमेशा ही अपने फैमिली स्ट्रक्चर्स पे डिपेंडेंट रहेंगे, तो ये सवाल भी आ रहा है। और एक डुअलिटी और भी नज़र आ रही है, अभी हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट आई थी जो हमें ये बता रही थी कि वुमेन का वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन 22% है, तो जहाँ हम देख रहे हैं कि वैसे तो हायर एजुकेशन में वुमेन 60% से भी ज़्यादा है, पर वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन में सिर्फ 22% की भागीदारी है। इट मीन्स दैट देयर इज़ अ लैक, देयर इज़ अ लैक, एंड दैट इज दैट मोस्ट ऑफ द वुमेन आर ऑल्सो ड्रॉपिंग आउट ऑफ कॉलेज, दे आर ड्रॉपिंग आउट बिकॉज दे हैव नो अपॉर्चुनिटी टू रियलाइज देयर ड्रीम्स, बिकॉज दे आर लॉक्ड अप ईदर, और या फिर उनको आप वो अपना शिक्षा एक्चुअली एक्सेस ही नहीं कर पा रही, क्योंकि आप उनको निवास नहीं दे रहे, आवास नहीं दे रहे रहने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जब हम एम्प्लॉयमेंट के बात कर रहे हैं, तो हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि सिर्फ एम्प्लॉयमेंट और सिर्फ रोज़गार
रोजगार इम्पोर्टेंट नहीं है पर जॉब सिक्योरिटी भी इम्पोर्टेंट है। अगर हम अपना यूनिवर्सिटी को इन टोटैलिटी देखें, चाहे वो वर्कर्स हो चाहे वो टीचर्स हो, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन ऑफ वर्क होता है। वर्कर्स को कभी भी परमानेंट, चाहे वो 15 साल से काम कर रहे हो या 20 साल से काम कर रहे हो, उनको परमानेंट नौकरी नहीं मिल रही है। और टीचर्स को एड हॉक बेसिस पे रखा जा रहा है। तो इन दैट सेंस हमें ये भी असर्ट करने की ज़रूरत है कि जॉब सिक्योरिटी इज इक्वली इम्पॉर्टेंट एंड नॉट जस्ट एम्प्लॉयमेंट। तो इस सब के साथ आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू ज्वाइन अस फॉर द मार्च।